इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही का पानी लिया है और 1/4 कप सूजी ली है। पहले हम इसको सोक कर लेंगे। कटोरी ले लेंगे, उसमें सूजी ऐड करें कर लेंगे और दही का जो हमने पानी लिया है इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स हो चुका है और इसको ढक के रख देंगे सोख होने के लिए। तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। तब तक क्या होगा, ये सोख हो जाएगा हमारा। चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। सूजी को हमने सोक करने के लिए रख दिया है। इसमें हमें जो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले पालक को मैंने धोकर ग्राइंड कर लिया है। एक आलू बॉईल लिया है। 1/3 कप मैंने आटा लिया है व्हीट फ्लोर। 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। धनिया लिया है थोड़ा सा चॉप करके और हरी मिर्च एक लिया है जिसको मैंने बारीकली चॉप कर लिया है। इन सभी को पहले हम मिक्स कर लेंगे एक बड़े बाउल में। आलू को ऐसे हाथों से या पोटैटो मैशर से आप मैश कर सकते हैं, मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ। ये हमारा मैश हो चुका है, ये देखिए। इसमें धनिया पत्ते जो हमने काट के रखे हैं, हरी मिर्च ये डाल देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये भी डाल देंगे, मिक्स कर लें। पालक जो हमने पीस के रखा है उसको भी मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, सूखे मसाले। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नींबू का रस, ये मैंने 1/4 लिया है नींबू। मैं ये 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला ऐड किया है 1 छोटे स्पून से, 1 छोटे चम्मच से। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी टेस्ट अच्छा आएगा। आटा, पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते हुए मिलाएंगे इसको। ये विस्क से मिलाए, देखिए ये हमारा रेडी है। हमारी सूजी भी सोक हो चुकी है, ये देखिए। इसको इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर ले। पानी ऐड करेंगे। अगर ये नाश्ता आप सुबह के लिए सुबह बनाते हैं तो आप क्या करें, इसे रात में ही घोल लें इसको, और नींबू और नमक मॉर्निंग में डालें जब आप इसको पकाने जाए तब, और पूरी रात इसको फ्रिज में ऐसे घोल के रख देंगे तो ये बहुत अच्छा सोक हो जाएगा। सोक पानी सोख लेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। एटलीस्ट 1/2 आवर तो जरूर इसको सोक करने के लिए रखें। सूजी डाला है, 15 मिनट हमने दही में सोक किया है, अब 15 मिनट इसको अभी हम ढक के ऐसे ही रखेंगे, इसके बाद हम पकाएंगे। इसमें मैं 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी।
मेरा 15 मिनट हो चुका है, मेरा पेस्ट इतना गाढ़ा रखे। मैं दो तरीके से बता रही हूँ आपको, एक तवे पर सेके और एक स्टीम करेंगे हम। पहले मैं तवे पे सेक के आपको बता रही हूँ, सेंटर में रखे। इसको ऐसे ढक दे, फ्लेम को मीडियम रखे, इसको पका लेंगे इस तरीके से दोनों तरफ से क्रंची होने तक। ये देखिए, ये हमारा ऐसे नीचे से चम्मच से ऐसे इसके कोनों को निकालते हुए आराम से जब ये पक जाएगा तो ये अपने आप ही इसका जो उसका तवे का तला है छोड़ देगा। अभी ये नहीं पका है इसीलिए नहीं छोड़ रहा है ये। ऐसे हल्के हाथों से इसका चलाते हुए चलेंगे। हमने इसमें आलू डाला है इसीलिए दोनों साइड से हम पका लेंगे ऐसी क्रंची होने तक तवे पर। ये देखिए, ये हमारा बनके रेडी है। इसी तरीके से अगर आप तवे पे ऐसे सेकना चाहें, बनाना चाहें तो तवे पे बनाएं।